हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यास्मीन लाइफस्टाइल। मैं हूँ यास्मीन। आज आपके साथ शेयर करूँगी मेरा बेबी बॉय का एनिमल स्कैन रिपोर्ट्स, जिसमें कि लिखा होता है बीपीटी का मीनिंग्स क्या है, एससी, एफएल, एसी, ये सारे चीज़ों का मीनिंग्स क्या है। तो ये सारे डिटेल्स मैं इस वीडियो में बोलूँगी। और बेसिकली ये जो वीडियो आज मैं बना रही हूँ, ये मेरे एक फ्रेंड्स के रिक्वेस्ट की वजह से बना रही हूँ। इंस्टाग्राम पर स्नेहा नाम की एक फ्रेंड्स ने मुझे बोला था कि ये वीडियो बनाने के लिए, मतलब एनिमल स्कैन में जो बेबी का फेस वगैरह दिखता है ना, तो उसको पूरा डिटेल्स में मैं दिखाऊँ, ऐसा उनका डिमांड था। तो मैं, ये देख लो, पूरा मैं डिटेल्स दिखा रही हूँ आपको, आप देख सकते हो। वो बोल रहे थे कि उनका भी एनिमल स्कैन हुआ था, बट उनके जो स्कैन है उसमें इस तरीके से फ़ोटोज़ नहीं आए थे, तो इसीलिए मतलब मेरे जो फ़ोटोज़ है वो देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं बेबी का फेस, बेबी का हेयर, वो हेड, बेबी का हैंड, लिप्स, सारे चीज़ों का यहाँ पर जो है शो हो जाता है। तो दो कॉपी हमको मिला था फ़ोटोज़ का। मैम ने बोला था कि आपको चाहिए, तो हम लोगों ने बोला हाँ हमको चाहिए, तो उन्होंने हम लोगों को दे दिया था। कई कई बार क्या होता है, अल्ट्रासाउंड ये जो एनिमल स्कैन कई लोग कराते हैं, लेकिन उनको ये सारे फ़ोटोज़ नहीं मिलते हैं। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, आप ही के लिए मैं ये वीडियो बनाया। और इसमें क्या होता है कि जो भी स्कैन रिपोर्ट्स हो, अल्ट्रासाउंड हो, चाहे एनोमली हो, चाहे कलर डॉपलर हो, कुछ भी हो, लेकिन उसमें क्या होता है कि रिपोर्ट्स पढ़ के हम लोग कुछ समझ नहीं पाते हैं कि इसमें क्या लिखा है। डॉक्टर भी ज़्यादातर नहीं बताते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ ये देखना होता है बेबी का वेट ठीक ठाक है या नहीं, इम्यूनिटी फ्लूड ठीक ठाक है या नहीं, ये सब देखते हैं। वो लोग खुद ही समझ जाते हैं, उसके हिसाब से वो मेडिसिन वगैरह देते हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स में बताऊंगी कि इन सब चीज़ों का मीनिंग्स क्या है। आप भी अगर गूगल में सर्च करके देखेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा। सबसे पहले तो मेरा नाम मैं हमेशा दिखाती हूँ कि मेरा नाम है, और मेरा रिपोर्ट्स का जो डेट है वो भी दिखाती हूँ। आप आइए दिखाते हैं कि इसमें जो शॉर्टकट में लिखी होती वो बातें क्या होती है। तो पहले हम बताएंगे FHB का मतलब क्या है। FHB का मतलब ये होता है फीटल हार्ट बीट, यानी कि बच्चे का जो दिल की धड़कन होती है, हार्ट रेट होता है, वो एक मिनट में कितने बार धड़कता है उसका जो है यहाँ पर आ जाता है। तो कभी कभी ये अप एंड डाउन होता रहता है। उसके बाद प्लासेंटा पोजीशन यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर AFI, इसका मीनिंग्स क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, AFI का मतलब होता है, A का मतलब होता है इम्यूनिटिक, F का मतलब होता है फ्लूइड, आई का मतलब होता है इंडेक्स, यानी कि इम्यूनिटिक फ्लूइड इंडेक्स, जो कि बच्चे जिस तरल पानी में तैरता है वो पानी का मेजरमेंट। अब यहाँ पर देखते हैं BPD का क्या मीनिंग्स हो सकता है। BPD मतलब होता है बायपेरिएटल डायमीटर, यानी कि ऑलमोस्ट बच्चे का टोटल जो ग्रोथ है उसके जो है मेजरमेंट। उसके बाद बात करते हैं AC, इसका मतलब होता है हेड सर्कमफ्रेंस। हेड सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है बच्चे का जो सिर का गोलाई है, हेड का गोलाई है, उसका ये मेज़रमेंट होता है। तो उस तरीके से दिया जाता है। इसके स्कैन द्वारा मतलब समझ जाते हैं कि बेबी का हेड का जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो रहा है या नहीं। उसके बाद हम बात करते हैं FL का। FL का मतलब होता है फीमर लेंथ, यानी कि जो जांग होते हैं बच्चे के, उसके जो जांग के जो हड्डी है उसी को कहा जाता है फीमर लेंथ। तो उसका भी यहाँ पर नाप दिया गया है। देन बाद में हम बात करते हैं AC का मतलब क्या होता है। AC का मतलब होता है बच्चे का जो मतलब पेट होता है, यानी कि एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस, बच्चे का जो पेट का जो हिस्सा है उसका जो टोटल मेजरमेंट वो इसमें दिया जाता है। और एक बात फ्रेंड्स, बेबी का जो ग्रोथ है, फिटस का जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो रहा है या नहीं, दो चीज़ों से नापा जाता है। एक तो LMP के डेट के हिसाब से, दूसरा गेस्टेशनल एज के हिसाब से। LMP का डेट मतलब होता है कि आपका जब पीरियड्स आते हैं, लास्ट पीरियड्स जब आपका ख़त्म हुआ उसी के हिसाब से जो डेट गिनते हैं, तो उस दौरान उसका अलग डेट होता है, जैसे LMP का डेट कहा जाता है उसका, लास्ट मेंस पीरियड्स कहाँ पर आपका स्टॉप हुआ था, उस हिसाब से बच्चे का ग्रोथ, बच्चे का मतलब एज कितना है वो दिया जाता है। दूसरा गेस्टेशनल एज बाय USG, मतलब अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स के द्वारा जो एज आते हैं बच्चे के, उसका जो है मेज़रमेंट यहाँ पर किया जाता है। इन दोनों के मेज़रमेंट के हिसाब से एक गेस करते हैं डॉक्टर लोग कि हाँ बच्चे का जो है लगभग वज़न इतना होना चाहिए, ग्रोथ इतना होना चाहिए, फीमर लेंथ इतना होना चाहिए, और उस हिसाब से डिलीवरी डेट भी आ जाता है। यहाँ पर मेरा डिलीवरी डेट, मतलब EDD का मतलब होता है डिलीवरी डेट होता है, तो वो डेट आया था 2 मार्च को, बट मुझे डिलीवरी हुआ था 2 फरवरी को।
और ये जो एलएमपी का डेट है और गेस्टेशनल एज का जो डेट है, इसके बीच का जो अंतर है वो 10 या एक हफ्ता, मतलब 7 दिन या फिर 10 दिन का गैप हो सकता है। ये इट्स नॉर्मल है, बिल्कुल भी इसमें घबराने की बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिला होगा। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना, और अल्ट्रासाउंड से जुड़ी और भी कोई सवाल है आपके मन में, कोई क्वेश्चन है, हमको कॉमेंट करके ज़रूर बताना, हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।